आज की वीडियो में आप देखेंगे पुराने स्टेबलाइज़र जो बहुत ही पुराने स्टेबलाइज़र है उसको नए वर्जन में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में आज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखें, हमने जो है यहाँ इसका जो है चार रिले चेंज किया है और इसमें पहले ये बोर्ड लगा था इसको हमने चेंज किया है और यहाँ पर इस मीटर को भी चेंज किया है, यानी ये वोल्ट मीटर और ये बोर्ड और ये रिले, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए हमने क्या इसमें मॉडिफाई किया है, तो ये है स्टेबलाइजर 5 KVA का 90 वोल्ट का, ठीक है। ये है वोल्ट मीटर जो हमने नया लगाया है। अब यहाँ पर देखें इस बोर्ड को हमने यहाँ पे यूज किया है, ये है 7C का बोर्ड, ठीक है ये, और इसके जगह पे, ठीक है, हमने इसको यूज़ किया है क्योंकि इसके साथ ये भी लगा था यहाँ पर, ठीक है, इस स्टेबलाइजर में, इसे हमने कैंसिल कर दिया है। एक ELTX से यहाँ पर जो ये वायर आ रहा है इसके हेल्प से हमने जो है इसका टोटल कनेक्शन किया है। अब देखिए इसमें इसका कनेक्शन कैसे है, यहाँ पर देखें ये जो यहाँ पर लिखा होता है LT, ठीक है, तो ये LT का जो दो यहाँ पे पॉइंट बना है जो कि ट्रांसफार्मर से आता है, ये वायर ये यहाँ पर देखें ये यहाँ आकर जुड़ा है, फिर ये तीसरा है नंबर एक कामन यहाँ, फिर इसके बाद आ जाता है ये R1, R2, R3। R मतलब होता है रिले, 1 मतलब होता है कि एक दो नंबर, जैसे यहाँ 4 तक लिखा हुआ, तो ऐसे यहाँ पे R1 मतलब R हुआ रिले, 1 मतलब हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसी तरीके से इसमें लिखा होता है। लेकिन कभी कभी इसके अनुसार इसकी वायरिंग नहीं होती, कैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो वायरिंग किया गया है, इसके पहले हमने जो है जो वीडियो बनाया था ये 8 नंबर कोर पे वो 3 इंची का कॉइल था और यहाँ पे 5 इंची कॉइल है, ये 7 नंबर कोर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जैसे है, ये इसका कनेक्शन देखें, फर्स्ट रिले है, ये ऐसे पकड़ के जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ आया है, तो ये रिले 2 पे यानी R2 पे जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट लेकिन 2 पे जुड़ा है। अब ये फर्स्ट कहाँ जा रहा है, तो फर्स्ट को देखेंगे ये येलो कलर से है, येलो कलर से ये फर्स्ट का जो है ये दूसरे नंबर पे गया है, फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है येलो हो गया, रेड हो गया, फिर इसके बाद जो है ये फिर रेड हो गया, फिर येलो हो गया, अब ये फिर रेड कहाँ गया है, तीसरे पे गया है, फिर लास्ट में येलो है कहाँ गया है, ये आउटपुट में गया है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं, अभी हम इसका डायग्राम भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वायरिंग 2 टाइप से किया जा सकता है, एक तो ये है, ठीक है, इसकी वीडियो हम इसके पहले बना चुके हैं, और दूसरा है ये, ठीक है। अभी इसके पहले वाला देखेंगे तो इसमें जो जैसे यहाँ पर ये NO से और यहाँ पोल पे जुड़ा हुआ है, ऐसे इसमें दिखा दें आपको, इसमें NO से और NC पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये वाले में ऐसा नहीं है, यानी किसी भी जंपर की ज़रूरत नहीं, एक जंपर केवल लगा हुआ है। इसके बाद इसकी वाइंडिंग को ही मैच करा लिया है, यानी ये 4 नंबर का जो है यहाँ पे NO पे आ जाएगा और इसका 3 नंबर यहाँ पे NO पे आ जाएगा, यानी तीसरे नंबर के रिले पे, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, टोटल 4 रिले हो गया। ये आउटपुट है, यहाँ से इसकी सप्लाई आउट होती है, ये इनपुट है, इसके पहले MCB यहाँ पर लगाए जाते हैं, ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लूप यहाँ पर ट्रांसफार्मर से निकले हैं, और यहाँ पे LT जो हमने यहाँ पर दिखाया यूज किया है उसमें हमने पावरमैन का रिले यूज किया था, इसमें एक अलग रिले यूज किया है जो ये है, इसे ऑन करके दिखाते हैं, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है, यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं,
आउटपुट कट गया, ठीक है 300। देखिए ब्लिंक करने लगा। अब इसको हम कम कर देते हैं, फिर ये नॉर्मल पे आ गया, फिर आउटपुट ऑटोमेटिक अपने आप आ गया। इसी तरीके से आप लेटेस्ट वर्जन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बोर्ड के जगह पे भी इसे यूज कर सकते हैं, इस 5 स्टेप बोर्ड को। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आउटपुट है इस साइड में और इस साइड में इनपुट है। अगर इस टाइप का कनेक्शन करना हो तो ये बीच में कॉमन हो जाएगा, कॉमन होगा न्यूट्रल। अब यहाँ पे इनपुट का जो है इस साइड में जुड़ जाएगा, आउटपुट का इस साइड में जुड़ जाएगा और दोनों का न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी अंदर से कॉमन है।